नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम मेरे प्यारे लिसनर्स को, रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आ गया है अक्टूबर का पहला बुधवार, और इस अक्टूबर में आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत ही फैंटास्टिक हीरो की मूवीज। दोस्तों, जो आज मेरी मूवी है वो रिलीज ही हुई थी अक्टूबर 1961 में। ये मूवी हीरोइन की, यानी जो इस फिल्म में हीरोइन है उसकी डेब्यू मूवी थी, और इसके कलाकार जाने जाते हैं एक नाम से, इसके हीरो जाने जाते हैं एक नाम से, एक आवाज़ से, और वो आवाज़ है पहचान गए ना, जी हाँ, हमारे याहू बॉय यानी कि शमी कपूर। और आज की फिल्म भी पहचान गए होंगे आप, बिल्कुल सही। मेरे लिसनर्स बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। आज की मेरी फिल्म है जंगली। जंगली फिल्म डायरेक्ट की थी सुबोध मुखर्जी ने, प्रोड्यूस की थी सुबोध मुखर्जी ने, और इसको लिखा था आगा जानी जी ने। अगर इसके म्यूजिक की बात करूं तो शंकर जय किशन ने क्या म्यूजिक दिया था, इसके गीतों को सजाया था और हम तक पहुंचाया था। इसकी स्टार कास्ट में आते हैं हमारे याहू बॉय शमी कपूर और हमारी द ब्यूटी क्वीन सायरा बानो, शशि कला, अनूप कुमार, ललिता पवार और बहुत सारे कलाकार। शम्मी कपूर इसमें बने हैं शेखर, सायरा बानो एज राजकुमारी, शशिकला एज माला, अनूप कुमार एज जीवन और ललिता पवार चंद्रशेखर यानी शेखर की मदर। अब मैं इनका आपको रिश्ता समझाती हूँ। शम्मी कपूर और शशिकला यानी शेखर और माला भाई बहन है और हैं ललिता पवार के बच्चे। सायरा बानो तो बट ऑब्वियसली हमारे शमी कपूर यानी शेखर की महबूबा आदि पिक्चर के बाद, आई मीन टू से, और उसके बाद अनूप कुमार जी हैं माला के पतिदेव यानी सीक्रेट पतिदेव। तो चलिए शुरुआत करती हूँ फिल्म याहू की। इस फिल्म की कहानी मेरे साथ नरेट करने वाले हैं हमारे ही एक दोस्त, यानी फिल्म में इस कहानी को नरेट किया है एक कलाकार ने, तो सुनिए ये कहानी जरा उनकी जुबानी। दुनिया में सभी हंसते हैं और हंसते ही हंसते घर बसते हैं, मगर ये कहानी इन अनोखे साथ की है जो जिंदगी में कभी नहीं हंसे। आपका नाम श्री शेखर है जो अभी ताजे ताजे विलायत से टपक रहे हैं। यह है इनकी पुरानी हवेली, जिस बदनसीब को जी भर के हंसना कभी नसीब ना हुआ। इनके आते ही नौकर सलामी देने लगे। आपसे मिलिए इस घर की सबसे ऊंची चट्टान जिसने इस ज्वालामुखी को जन्म दिया है। ये है इनकी माता जी। ये रहा तुम्हारा शेखर, अमेरिका और विलायत से कितना कामयाब बनकर आया है। याद है तुम कहा करते थे, खिलाओ बच्चों को सोने का निवाला, मगर देखो शेर की नजर से, आज तक इस घर में तुम्हारा वही वसूल कायम है। क्या सच बात कही थी तुमने कि बच्चे हंसने से आम बच्चों की तरह छिचोरे और रोने से बुजदिल बन जाते हैं। और माँ, विलायत के बड़े बड़े लॉर्ड्स और बिजनेस मैग्नेट्स मेरे बिजनेस स्टाइल को देखकर दंग रह गए और तड़प कर मुझसे पूछने लगे कि मेरी कामयाबी का राज क्या है। मैंने जवाब दिया, माँ की तालीम, खानदान का ना हंसने का असूल और पिताजी का आशीर्वाद। पिताजी, जब मैं विलायत पहुंचा तो बिजनेस के चांसेस 0% थे, लेकिन मैं रोया नहीं, उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक के 100% चांसेस मेरे फेवर में नहीं हुए। शेखर, तेरे आखिरी बयान से अपनी तारीफ की बहुत ज्यादा बू आ रही है। लेकिन माँ, अपनी इतनी तारीफ तो तुम कहती हो पूरी नहीं। ये इतनी से जरा ज्यादा उतनी हो गई है तारीफ। तो फिर मैं अपने कुछ अल्फाज वापस लेता हूँ।
ये थी माँ और बेटे की 3 साल के बाद प्यार भरी मुलाकात, प्यार जो इस बदनसीब माँ को शायद कभी नसीब नहीं हुआ। शौहर से उसूल मिले, बच्चे मिले, बड़ा घराना मिला, इसने भी बच्चों को सब कुछ दिया मगर प्यार न दे सकी। इस घर में खूबसूरत मैना भी रहती है जो बदकिस्मती से इस लड़के की बहन है। ये माँ और भाई से तबीयत में बिल्कुल अलग है, इसके दिल में जवानी की उमंगे मचल नहीं है, ये मोहब्बत की दिल फरेब मंजिलों से गुजर रही है। मोहब्बत जो इंसान का पैदाइशी हक है, ये हंसती भी है और मोहब्बत भी करती है मगर चोरी चोरी, डरती है कि अगर माँ और भाई को मालूम हो गया तो जान की खैरियत नहीं है। तो ये है शेखर की फैमिली, स्ट्रिक्ट असूलों वाली लेकिन बहन मोहब्बत वाली। अब शेखर ऑफिस आते हैं और जरा ऑफिस का भी मुआयना देख लीजिए कि उनका बिहेवियर क्या है। गुड मॉर्निंग सर, ये ऑफिस आने का वक्त है? सॉरी सर, लेट हो गया, सिर्फ 10 सेकंड। मैं नहीं चाहता इस ऑफिस में कोई 1 सेकंड भी देर से आए। यू आर सस्पेंडेड फॉर 1 वीक, गेट आउट। यस, कौन रीटा? आपका सेक्रेटरी सर। माय सेक्रेटरी? हम इधर हॉस्पिटल से बोलते हैं सर, हमारे बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, हमको एक दिन की छुट्टी मांगता है। नो, फौरन ऑफिस चलियो वरना हमेशा के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। अब एक तरफ माला अपने प्यार की पींगे झूल रही है और दूसरी तरफ शेखर की शादी कहीं के एक राजकुमार यानी कि लुटे पिटे महाराज के बेटी के साथ तय कर दी गई थी बचपन ही में। अब वो लुटे पिटे हैं लेकिन दूसरों को यही शो करते हैं कि हम अभी भी राजा हैं। उनमें से एक यानी लड़की का भाई वहां आता है और इनसे मिलता है। अब तारीख तो तय हो जाती है कि ये हमारे जो शेखर हैं वो राजकुमारी से मिलने कब जाएंगे। अब यहाँ से जब ये फिक्स करके तारीख घर जाता है नकली राजकुमार, तो वो अपनी बहन नकली राजकुमारी और लुटे पिटे महाराज को ये खबर देता है कि वहाँ से तो हमें बहुत माल मिल सकता है। यानी दीज आर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ विलन इन दिस फिल्म, नॉट दैट मच बट हैं। अब माला जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 साल पहले ही शादी कर चुकी हैं, अ सीक्रेट मैरिज, लेकिन अभी किसी को उन्होंने बताया नहीं है। इन दोनों को प्रेम की बातें करते हुए मैनेजर साहब सुन लेते हैं और आ जाते हैं घर पे उनको बताने के लिए। कहिए, क्या कहना चाहते? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि माला बिटिया के कदम डगमगाने लगे। जी मेरा मतलब है अभी उसकी उम्र ही क्या है। उम्र का हिसाब इस घर में नहीं रखा जाता, 5 साल के बाद बच्चे बूढ़े सब बराबर समझे जाते हैं। साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। जी बिटिया के ऊंचे कदम नीचे जगह गिरने लगे, वो एक नौजवान से प्यार करने लगी। प्यार इस घर में? हर कसूर माफ किया जा सकता है मगर ये गुनाह इस घर में कभी नहीं बख्शा जाता। कौन है वो, कौन है? लेकिन क्या होता, नाम बताइए नाम। आपके स्वर्गवासी पिताजी ने कुछ उसूल कायम किए थे इस घर में, उन उसूलों में से एक उसूल ये भी है, बात छिपाओ मत, कह जाओ मगर नाम न लो वरना शिकायत समझी जाएगी। आपको नाम बताना ही पड़ेगा। इजाजत है आपकी, तोड़ दूं इस घर के उसूल। शेखर, तुम्हारे पिताजी के कायम किए हुए उसूल मेरे जीते जी नहीं तोड़े जा सकते। तो फिर माँ ये फैसला क्यों कर होगा? इसकी जिम्मेदारी कहने वाले पर समझी जाती। मैनेजर साहब। जी जी हाँ, देखिए आप तो 20 दिन के बाद कश्मीर जा ही रहे हैं, बेहतर होगा कि माला बिटिया को भी साथ ले जाएं। फैसला करते हैं कि अब कश्मीर जाया जाए 2-3 महीने के लिए, तो माला को भी साथ लेकर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मिलना है हमारी कश्मीर की कली सायरा बानो ने यानी राजकुमारी ने। अब ये इतने अकड़ हैं शेखर कि उनसे ऐसे ही अकड़ अकड़ के मिलते हैं। अब होता क्या है, कश्मीर में कभी ये
उनको बर्फ में टकरा जाते हैं, कभी सड़क पे टकरा जाते हैं, और राजकुमारी को बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ हटखेलियां करने में। बदतमीज लड़की, तुमने जो ढेला क्यों मारा? ढेला नहीं, बर्फ का गोला था। गोला सही, मारा क्यों? मैं तो बंदर को मारने की गलती से आपको लग गया, माफी चाहती हूँ। माफी चाहती हूँ, मालूम होता है माँ बाप ने कोई तहजीब नहीं सिखाई तुम्हें। गोला तो मैंने बहुत ताक के मारा था। तो फिर मुझे किस तरह पड़ा? हाँ, शायद बेचारा गोला धोखा खा गया। आप भी फुदकते जा रहे थे, बंदर भी फुदकता जा रहा था। मैं तुम्हें बंदर नजर आता हूँ? अजी, आपके मुंह पे हाँ कैसे कहूँ, आप समझेंगे खुशामद कर रही हूँ। बदतमीज लड़की, मैं तुम्हें अभी देख। इधर इन दोनों की चुगलबंदियां चल रही हैं और दूसरी तरफ माला की तबीयत अचानक खराब होने लगी है। अब उनका नौकर कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाने लगा हूं, लेकिन माला किसी अनचाहे डर की वजह से खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती है, और वो डॉक्टर हैं सायरा बानो के पिताजी। वहां जाकर माला को ये खबर मिलती है कि वो तो 5 महीने से प्रेगनेंसी पे है, और अब कुछ ही समय में उसको ये खुशखबरी मिलने वाली है। अब माला बहुत घबरा जाती है और घबरा के सीधा खुदकुशी करने चली जाती है, और उसको बचाती है राजकुमारी। बे, तुमने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता, वाकई बड़ी गलती हो गई। चलो फिर से निकल लो। मजाक छोड़ो राज, ये बात कब तक छिपी रहेगी? जब तक मेरे दम में दम है। नहीं, तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती। मेरे भैया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। कहाँ रहते हैं तुम्हारे भैया? डल्ले गेस्ट हाउस गुलमोहर। अच्छा, अभी फलक को पड़ा दिन जलो से काम नहीं। तुम्हारे भैया को ठीक ना कर दूं तो राजनामे। सायरा बानो अब वहां से हॉस्पिटल से आती है उसके भाई से मिलने के लिए, बिना ये जाने कि वो कौन है। लेकिन जब मिलती है तो शेखर उसको देखते ही आग बबूला हो जाता है। बंदर, यू तुम यहाँ क्यों आए हैं? आपसे कुछ ऐसी बेतहाशा सी मोहब्बत हो गई है कि बार बार आपकी सूरत देखने को दिल तड़प उठता है, और आपकी हंसी, सुभान अल्लाह, न जाने कितनी लड़कियों की जान लेगी ये हंसी। खराब, मैं तो लेक में फेंक दूंगा। यही अदाएं तो कातिल है। जरा फिर से कहिएगा यही जुमला। अली जू। जी सरकार। इस पागल लड़की को घर से निकाल दो। अली जू, इस पागल को आगरे के पागल खाने भिजवा दो। अली जू, इस बेचारे को यह भी नहीं मालूम कि इसकी बहन बेहोश होकर गिर गई थी और मरने वाली थी, लेकिन एक लड़की तरस खाकर उसे अस्पताल ले गई। अली जू, इस पागल लड़की से पूछो मेरी बहन कौन से अस्पताल में है। अली जी, इनसे कहो कि पहले लड़कियों से बात करना सीखें। सरकार, ये अस्पताल का वक्त नहीं है। तो फिर कब? 4 बजे। इनसे कह दो कि ठीक 4 बजे चिनार बाग में मिले, राजकुमारी जी इंतजार फरमाएंगे। राजकुमारी जी, आप कहाँ की राजकुमारी हैं? मैं कहीं की राजकुमारी नहीं, मेरा नाम राजकुमारी। अब राजकुमारी शेखर को लेके हॉस्पिटल आती है अपनी बहन से मिलने। अब शेखर अपनी बहन को देखता तो है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर के पास जाके उनको पूछता है कि इतनी तबीयत इसकी कैसे खराब हो गई। ये पता चलता है कि वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ राजकुमारी ने अपने पिताजी को सारी असलियत बताकर कि उसकी सीक्रेट मैरिज और बच्चे के पैदा होने की कि शेखर को खबर नहीं मिलनी चाहिए, ये सीक्रेट उसे बताकर अपनी तरफ कर लिया है। अब उसके पिताजी ने ये कह दिया है कि अभी इसको टाइम लगेगा। शेखर यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उसको बहन की चिंता तो है। दूसरी तरफ दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और माला की हालत अब छुपाना मुश्किल हो रहा है। अब घबराने की कोई बात नहीं, 2-1 दिन की तकलीफ और है। पिताजी, साइंस में कोई अच्छी तरकीब नहीं, आप बता सके लड़का होगा कि लड़की? अरे, मौका देखती है ना महल, जो मुंह में आता है वही बक देती है। सबसे जरूरी काम तो ये है कि उस शेर को तराई में भेज दिया जाए। शेर नहीं पिताजी, मच्छर है, एकदम मच्छर। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि अब तो माला की हालत छिपाई नहीं जा सकती, आज नहीं तो कल शेखर को मालूम हो ही जाएगा। और फिर डॉक्टर साहब, भैया की एक आदत बड़ी अजीब है, अगर उन्हें किसी काम से डरा दिया जाए और बुजदिल कहें
तो वो हजार काम छोड़कर वो काम जरूर करेंगे। I've got it. शेर हो या बकरा, बंदर हो या कौवा, तुम ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। यानी अब राजकुमारी के दिमाग में फिर कोई खुराफाती सूझी है और वो साधु बाबा के भेस में शेखर को मिलके उसको शेषनाग जाने के लिए कह देते हैं। शेषनाग कश्मीर से कुछ दूरी पर है और जब वो उसको ये बोलकर बाबा के भेस में शेखर को ये समझाकर हॉस्पिटल वापस आती है तो उसे पता चल जाता है कि शेषनाग में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। अपनी गलती को रिग्रेट करते हुए वो वापस जाती है शेखर के पास उसको समझाने के लिए। बच्चा बेटा रुक जा, बेटा आगे खतरा है। स्वामी जी, ये आप बोल रहे हैं या आपकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है? हम हमेशा तेरे ही साथ रहते हैं बच्चा। आप मेरे सामने क्यों नहीं आते स्वामी जी? जब जरूरत होगी तो सामने भी आ जाएंगे बच्चा। इस समय तू सिर्फ हमारी आवाज सुन रहा है। अभी शेषनाग मत जा बच्चा। सोमवार बता रहा है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तेरी जान खतरे में है बच्चा। अगर तू जाएगा तो वापस नहीं आ सकता। फौरन घर लौट जा बच्चा। तो तुम हो बच्चा है? अब तो मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा बच्चा। तुम्हें दिखा के रहूंगा कि बदतमीजी को क्या नतीजा हो सकता है। मैं इस मजाक की माफी चाहती हूँ। शीशनाग में सचमुच बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहाँ न जाइए, वहाँ जान का खतरा है। यहाँ भी तुम कौन सा जीने दे रही हो? चलो मेरा हाथ तो छोड़िए। आप एक शरीफ आदमी, समझ सकते मैं आपके साथ अकेली नहीं जा सकती। तुम अकेली एक शरीफ आदमी को बर्फ के गोले मार सकती हो? तुम अकेली उसकी जिंदगी हराम कर सकती हो? और तुम अकेली समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अपने बाप की एक ही लड़की हूँ। मैं मर जाऊंगी तो आपको क्या मिलेगा? तुम मान लो कि तुम बुजदिल हो। हाँ मैं बुजदिल हूँ। मेरा बाप बुजदिल और सुना मेरा दादा भी बुजदिल था। अब तुम मान जाइए प्लीज। मैं कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। घर वापस चलिए नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। पढ़ो। स्टॉप। गिर आप। याद रखो, हंसने वालों को कभी कभी रोना भी पड़ता है बच्चा। चलो। शेखर उसकी बात मान जाता है और ये लोग जैसे ही वापस आने लगते हैं तूफान इनको घेर लेता है और वहाँ पर एक झोपड़ी में इन दोनों को रहने की जगह मिल जाती है, वरना ये दोनों बर्फ के तूफान में मर जाते हैं। अब दोनों कुछ दिन तक, यानी 2-3 दिन तक वहाँ फंसे हैं। इन 2-3 दिनों में दोस्तों शेखर को राजकुमारी इतनी मासूम, इतनी प्यारी लगने लग गई, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी, वो है ही इतनी प्यारी। चाय नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। बदतमीजी की हद। आली जो कमबख्त ने खाने के साथ प्लेट और चमचे नहीं रखे। आप खाना खाना चाहते हैं या चमचे और प्लेटें? फिर वही बदतमीजी। जाओ, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। मत खाइए, मुझे तो भूख लगी, मैं खाती हूँ। खाओ खाओ। खड़े खड़े नजर क्या लगा रहे हैं आप? भूख लगी है तो खाइए। तुम समझते हो इस दिन खाना नहीं खाने से मैं मर जाऊंगा क्या? जीने की गुंजाइश कम है, मरने के चांसेस बहुत ज्यादा। क्या पराठा है। आलू की भाजी, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरा ख्याल है जान लेंगी ये चीजें। क्यों साहब बहादुर, आप सचमुच कुछ नहीं खाएंगे? नो। अच्छा अगर कुछ नहीं खाते तो ये एक हरी मिर्च खाकर पानी नहीं पी लेंगे? भगवान,
रईस ने उतने खूब बनाए हैं तुमने, भूख के मारे कम निकला जा रहा है, मगर खाएंगे तो सलीके से। कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। तुम्हारी राय किसने मांगी? मैं तो भगवान से कह रही थी। अच्छा अब आप आराम फरमाइए। तो ऐसी ही नोक झोंक में कभी वो उसके साथ उलझती है, कभी वो उसके साथ उलझता है। रात हो जाती है और ये अपने अपने बिस्तर पे जाके पसर जाते हैं। अब शमी कपूर को आदत तो है नहीं इतने सख्त बिस्तरों की, तो वो लेट जाता है। इतनी देर में सायरा बानो आके बहुत प्यार से उसके ऊपर कंबल उड़ाते हुए उसके बालों को छू के कहती है, जंगली। और ये बात शेखर के साथ जिंदगी में पहली बार हुई और अंदर ही अंदर उसका दिल जोर से धड़का। बस उस धड़कन ने ही शायद उसके पूरे अस्तित्व को हिला दिया। सुबह जब उठा तो सायरा बानो को सोते हुए देखा। ये सुबह का मंजर भी क्या कयामत का हसीन है। तकिया है कहीं, सुल्फ कहीं, खुद वो कहीं है। अचानक उसे महसूस होने लगा कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो अपने अंदर का तूफान रोकने के लिए बाहर के तूफान में चला जाता है लकड़ियां काटने के लिए। जब लकड़ियां लेकर वापस आता है तो सायरा बानो बैठी होती है आग सेक रही है। ये क्या पागल हो गए आप? डर था कहीं पागल ना हो जाऊं। इस तूफान में आप बाहर गए थे? कुछ ऐसे तूफान में घिर गया हूं जिससे निकल नहीं सकता। ये तो मैं भी जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती। बड़े बहादुर बनते, इतना सा तूफान नहीं रोक सकते। यही कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश? देखो तुम चली जाओ यहाँ से, मैं इन बातों का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। किन बातों का? माता जी सुनेगी तो क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? कह दीजिएगा कि तूफान किसी की बस की बात नहीं हुआ करती। इस तूफान से फंस गए थे, क्या करते, मर जाते? तुम चली जाओ यहाँ से, बिल्कुल बच्ची हो। क्या पढ़ रहे हैं आप? कविता। आप और कविता, बड़े तूफान की बात है। इस दिल में इतने तूफान छुपे होंगे ये मैं खुद भी नहीं जानता था। क्या इस किताब में लिखा हुआ है? जी एक शेर सुनिए। आज वो देखने बैठे हैं मेरे दिल की किताब, आज वो देखने बैठे हैं मेरे दिल की किताब, एक हिर फिर के मोहब्बत ही का नाम आता है। क्या खूब शेर है जी। एक दूसरी गजल का शेर सुनिए, क्या खूब लिखा है। सुनाइए। इस तूफान से बिल्कुल मिलता जुलता, कहता है दो तेज हवाओं की बुनियाद है तूफान पर, दो तेज हवाओं की बुनियाद है तूफान पर, या तुम न हसी होते या मैं न जवां होता। राजकुमारी उसके मन की बात समझ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोस्तों यहाँ एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे लेकिन इनके दिल बात कर रहे हैं। हुस्न और इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है, शमा का शोला चप लहराया उड़ के चला परवाना भी। कल तक मुझे इसी से नफरत थी, इतनी खूबसूरत लड़की से, इतनी भोली, इतनी मासूम। कल तक मैं इसे जंगली समझती थी और आज आज मुझे ये क्या हो रहा है? क्या इसी का नाम मोहब्बत है? क्या इतना जालिम आदमी भी प्यार कर सकता है? कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी जालिम पर प्यार आया। प्यार और इस पत्थर से?
तुम चाहो तो इस पत्थर को तराश कर पैमाना बना सकती हो। चाहे तो इन आंखों की टपकती हुई मस्ती पत्थर को तराशा हुआ पैमाना बना दे। इसके बाद तूफान बहुत तेज हो जाता है और ये वो रात फिर से इनको वहीं बितानी पड़ती है। अब इनके पास न खाना है न चाय। सायरा बानो की तबीयत खराब होने लगती है और न चाहकर भी शम्मी कपूर यानी शेखर भगवान से प्रार्थना कर बैठता है कि इसको ठीक कर दे, आज के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। और अगले दिन सुबह जब शेखर उठता है तो सूरज की पहली किरण उसकी आंखों पे पड़ती है और उसके मुंह से निकलता है दोनों प्यार की पींगे झूलते झूलते बातें करते हुए रास्ता काटते हैं। ये वही रास्ता है जिसमें हम आए थे? रास्ता वही है, नाम बदल गया। आए थे नफरत के रास्ते से और आप पहुँचे हैं प्यार के रास्ते। न जाने क्यों मेरी तबीयत घबरा रही, तुम क्या कहे उठ के घर पहुँच जाओ। कोशिश तो की जा रही है तबीयत बहलाने के लिए। और फिर भी ना बहले तो क्या समझना चाहिए? तो समझना चाहिए मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। शेखर वो मंदिर है ना, वो कश्मीर का बड़ा ही मशहूर मंदिर है। अच्छा? हाँ, वहाँ जो लोग मांगते हैं वो सब मिल जाता है। हमें जो देना था दे चुका है, अब उसके पास धरा ही क्या है। तुम भगवान के लिए ऐसा कहते हो? कुछ शराब पी है तुमने? आंखों से पिलाने वाले पूछ रहे हैं कि शराब पी है तुमने। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती। नाजुकी उनके लब की क्या कही, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने दिलचस्प इंसान बन सकते। बनाने वाले की तारीफ करो जिसने एक पत्थर को तराश कर पैमाना बना दिया। मुझे अब तुमसे डर सा लगने लगा। डर मुझसे, जबकि मैं इंसान बन गया हूँ। पिताजी कहा करते हैं कि सबसे खतरनाक जानवर इंसान होता है। What nonsense! तुम इतने दिन मेरे साथ अकेली रही तब डर नहीं लगा? जब तुम इंसान थोड़ी थे। गलत फहमी में मत पड़ो, तुम्हारी कसम इंसान में अब भी नहीं। अच्छा, तो फिर क्या हो? आशिक। अब दोनों को घर आना है। अब ऑब्वियसली बेटी दो दिन बाद घर पहुंची है और उस दूसरी तरफ माला के बच्चा भी हो गया है। माला तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? पहले तुम ये बताओ कि लड़का हुआ कि लड़की? बताओ ना तुम्हें मेरी कसम। लड़का। लड़का? ओह अरे माला, मिठाई दी हो गई तुम्हारी तरफ। कैसी मिठाई? किसका लड़का? वो जब मैं यहाँ से गई थी ना, एक अरब खातून अस्पताल आई थी जिनका बच्चा होने वाला था। माला कहती थी लड़की होगी और मैं कहती थी लड़का, मैं जीत गई। मेरे ख्याल से मैं जीत गया। माला, माला आज तुम्हें डबल मिठाई बांटनी चाहिए। माला, मेरा मतलब है कि आज तुम हम दोनों को जिंदा देख रही हो। माला जरा सोचो, अगर दो चार रोज और तूफान ना रुकता तो हम लोग तो ठिकाने लग गए थे। हैं माला? भैया ये तुम हंस रहे हो? माला, जिंदा रहने के लिए सिर्फ तीन चीजें जरूरी हैं। माला, हंसी, खुशी और फूल। थैंक यू भैया, मगर अब न जाना, कहीं फिर से तूफान ना आ जाए। माला, जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान तो देख चुका हूँ, अब छोटे मोटे तूफानों से कौन डरता? मैं डरता हूँ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, बच्चे नहीं हो जवान हो चुके हो। कभी ये भी सोचा है लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अगर मैं ये कहूं कि ये इत्तेफाक था डॉक्टर साहब,
तुम्हारे इत्तेफाक कह देने से बात नहीं बनती है साहबजादे। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए? ये किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और अगर मैं ये कहूँ कि आपकी बेटी भी मुझसे मोहब्बत करती है तो मैं ये कहूंगा कि वो अभी बच्ची है, समझ भी नहीं सकती क्या चाहती और क्या नहीं चाहती। और अगर मैं ये कहूँ कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं? तो मुझे बंबई जाना पड़ेगा तुम्हारी माता जी से बात करने। माँ जी, मैं मतलब है कि कोई जरूरत नहीं, वैसे मैं खुद ही बंबई वापस जा रहा हूँ। मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा और आपको तार देकर बुलवा लूंगा। माँ का तार आया है और माँ ने बुलाया है। यहाँ माला को भी साथ जाना है लेकिन अपने नन्हे से दूध मुए बच्चे को डॉक्टर साहब के पास छोड़कर, और ये वादा करके कि आप जब वहाँ आए तो इसको लेते हुए आए साथ। अब डॉक्टर साहब ने माला को अपनी बेटी माना है तो उसके बच्चे की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले ली। अब दोनों भाई बहन फ्लाइट से जब घर आते हैं तो माँ तो शेखर को देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है कि गया क्या था और बन के क्या आया। शर्म नहीं आती तुम्हें? तीन महीने के अंदर अंदर अपने खानदान के उसूल भूल गए? कब आए तुम? अभी अभी माँ। आने का वादा कब था? मैं पूछती हूँ, आने का वादा कब था? कल का था माँ, सिर्फ 24 घंटे तो देर हुई। माफ कर दो माँ। तुम अपने कमरे में जाओ। तुम ये कैसे भूल गए कि कल सुबह तुम्हें आमगढ़ जाना था? ये देखो, राजा साहब ने घबरा कर अर्जन तार दिया। माँ, ये रिश्ता तुम्हारे पिताजी तय कर गए। लेकिन माँ, अगर लड़की पसंद नहीं आई तो? वो राजकुमारी है शेखर। वो तो ठीक है माँ, अगर लड़की बदमिजाज साबित हुई तो? फिर भी वो राजकुमारी है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम 24 घंटे लेट कैसे हो गए। माँ, तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारा बेटा मरते मरते बचा? हाँ माँ, मैं तूफान में गिर गया था और ऐसा तूफान मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ माँ कि अब मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगा। तुम जानती हो माँ, मैं हर वक्त ये दुआ मांगा करता था कि भगवान एक बार मेरी माँ को मुझे फिर से दिखा दे। क्या तुम्हारे दिल को ये खबर नहीं मिली माँ? जबकि मैं तूफान में गिरे हुआ तुमको याद कर रहा था, सिर्फ तुम्हें माँ। शेखर, माँ, शेखर, माँ, मुझे तू मिल गई, मुझे अब सब कुछ मिल गया माँ। देखे तुमने शेखर की बदतमीजी? थोड़े दिन कश्मीर रहकर आया, बिल्कुल बदल गया। अब वो आम लोगों की तरह हंसने लगा है, छिछोरे बच्चों की तरह नखरे करने लगा है। और जब मैं उस पर बिगड़ी तो माँ कहकर मुझसे लिपट गए। मुझे उसकी यह हरकत बिल्कुल मुझे एक शिकायत अपनी भी करनी है। मुझे उसकी यह हरकत ना मालूम क्यों अच्छी लगी। उसका प्यार से माँ कहकर लिपटना मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे उसूल और बच्चों की तरक्की के लिए मैं अपने दिल की बाजी लगा दूंगी। चलिए, घर में तो सेट हो गए। अब शेखर को ऑफिस में भी सब कुछ ठीक करना है क्योंकि उसने बहुत बदतमीजी की सबके साथ। अरे उन लोगों से कहो कि हंसना बंद करें, बड़े साहब के आने का वक्त हो गया है। क्यों जी, हसन को बुला काम है जी, आइए। यो आप बड़ा साहब को समझाता क्यों नहीं है जी? तू ये आदमी हो तो उसे समझाऊंगी, उस जंगली को। सर आप? आज से आप इस कंपनी के मैनेजर नहीं रहेंगे। सर ऐसा न कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। वो सब कुछ मैं नहीं जानता, तो फैसला कर चुका वही होगा। लेकिन सर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आज से आप इस कंपनी के मैनेजर नहीं, मेरे चाचा जी हैं। सर? सर नहीं, शेखर कहिए। शेखर? हाँ चाचा जी,
दिन रात मेहनत करके आप ही ने इस कंपनी को कामयाब बनाया। शेखर चाचा जी यार, ये जंगली तो अच्छा खासा आदमी बन गया। बड़े मजे की बात है। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। अरे आप लोग बैठ जाइए चाचा जी, खाना छोड़कर उठने से खाने की बेइज्जती हो जाती है, ये असूल नंबर एक है। वाह मियाँ, आह मियाँ, लजीज खाना इसे कहते हैं। बीवी ने पकाया? जी हाँ, बीवी ने अपने हाथों से बनाया। क्या बात है, खाना बीवी का और यार की है। ये तो बहुत अच्छा दिखता है, घर का पका हुआ लगता है। देखो घर का मौलाना, ये तो पहले ही अच्छा था, कम वक्त आधा खाना। ऑफिस में सब कुछ ठीक करने के बाद अब जो नकली राजकुमार और राजकुमारी थे, उनके पिताजी की तार आती है कि शेखर को लड़की देखने के लिए भेज दीजिए। शेखर यहाँ माँ को पटा नहीं पाता और उसको जाना पड़ता है। अब जहाँ वो जा रहा है, वो लुटे पिटे रियासत के लुटे पिटे राजकुमार और महाराज अब शेखर के आने की तैयारियों में है। पिताजी सब बंदोबस्त हो गया, सब बंदोबस्त हो गया। मैंने शेखर के ठहरने का इंतजाम होटल गुलमोहर में किया है। क्या होटल गुलमोहर? हाँ हाँ, वो अपना छज्जू है ना, उसके हमने 50,000 रुपए देने हैं। मैंने उसको कह दिया कि अगर ठहरने नहीं दोगे तो पैसे गए। फिर वो माना? आज ही उसका बाप भी मानता। मगर वो मोटर का क्या होगा? कल से मैंने एक सेठ के ड्राइवर की नौकरी भी कर ली है। शाबाश, आखिर बेटे किसके हो। थैंक यू पिताजी, आप ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होंगे कि मैंने अपने तमाम कर्जदारों को पार्टी में बुलवा लिया है और वो अपनी अपनी शानदार पोशाकें पहनकर हमारी पार्टी में हाजिर होंगे। अच्छा, आप देखते तो जाइए अगर महफिल का क्या रंग जमाता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जिस पार्टी का इंतजाम किया गया है, शेखर वहाँ जाके इतनी गंदी एक्टिंग करता है, सबको पागल बना देता है कि सबको ये लगने लगता है कि ये तो पागल है। नकली राजकुमारी कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, लेकिन उसका बाप उसे थोड़ा धैर्य रखने के लिए कहता है। अब शेखर जब वहाँ से वापस आता है तो माँ की अदालत में पेशी है। पसंद आई राजकुमार? नजर आती है माँ, रात को सूरज और दिन को चांद नजर आती है। आंखें कैसी? क्या कहने माँ, क्या कहने, अंधों को नजर भर कर देख ले तो आंखों में रोशनी पैदा हो जाए। राजकुमारी जो ठहरे, और लोग कैसे हैं? लोग मत कहो माँ, लोग मत कहो, फरिश्ते कहो, फरिश्ते। राजा महाराजा ऐसे ही हुआ करते हैं, उन फरिश्तों को तुम कैसे लगे? कहने लगे कि लड़का चेहरे मोरे से तो अच्छा मालूम होता है, कद भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है, लेकिन मिलने जुलने से कुछ कुछ क्या, कुछ पागल मालूम होता है। पागल मालूम होते? मैं तुम्हें 25 साल में नहीं समझ सकी और वो तुम्हें चंद घंटों में ही समझ गई। क्या मतलब, मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? प्यार से कहा होगा, इतना भी नहीं समझता क्या माँ? प्यार से कोई 24 घंटे पागल नहीं कहता। खाना खाओ तो पागल, बात करो तो पागल, जानते हो चलते चलते उन लोगों ने क्या कहा? क्या कहने लगे? तुम खानदानी पागल हो। गोली नहीं मार दी तुमने? गोली माँ, बस चलता तो गोल्ड मेडल देता उन्हें। काबिल जो ठहरे, कुछ घंटों में मुझे पहचान लिया। खामोश। माँ गुस्सा क्यों करती हो? प्यार से कहा होगा, इतना भी नहीं समझती। ऐसे प्यार से कहने वाले की गर्दन मरोड़ देनी चाहिए। मैंने तो चाहा माँ और मैं आगे बढ़ा भी, लेकिन माँ राजकुमारी की गर्दन बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल नूर के सांचे में ढली हुई। चंद्रशेखर, मैं उस राजकुमारी का नाम भी सुनना नहीं चाहती। अपनी माँ को उन्होंने पटा तो लिया, और लेकिन जो राजकुमारी थी नकली वाली, उसके पिता ने एक चाल चली कि कोई बात नहीं बेटा, पागल ही सही, पैसे वाला तो है, हमें तो अपने कर्जदारों का कर्ज उतारना है, हमें तो पैसा चाहिए, तुम्हें इससे शादी करनी है। और वो वहाँ पे शेखर की माँ को यानी ललिता पवार को एक तार भेजते हैं कि हम बहुत खुश हुए राजकुमार से मिलकर, यानी शेखर से मिलकर, अब हम उन्हें अपना तमाद बनाने के लिए तैयार हैं। और उनको शादी की तैयारियां अब शुरू कर देनी चाहिए।
लेकिन शेखर ये सुन के बिल्कुल सन्नाटे में आ जाता है और असली जो राजकुमार है उनको बुलाने की बजाय राजकुमारी अपने दिल की राजकुमारी यानी सायरा बानो और उसके पिताजी को बुलवा भेजता है। लेकिन उससे पहले शेखर एक चाल चलता है कि इन लोगों को यानी नकली राजकुमार को और नकली राजा को तार देकर मना कर देता है कि अब उनकी तबीयत अभी खराब है और शादी के लिए इनकार है अभी। तो अब वो लोग जब तक यहाँ पहुँचते उससे पहले ही सायरा बानो अपने पिताजी के साथ शेखर के घर आ जाती हैं और इनकी माँ को ललिता पवार को ये गलत फहमी हो गई कि वो वही वाले राजा हैं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सर झुकाने का क्या मतलब हुआ? मैं झूठ कह रही हूँ? तुम सचमुच खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। जी। जी का क्या मतलब हुआ? जी हाँ या जी नहीं? जी जी हाँ। क्या जी हाँ? जी मैं खूबसूरत हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। आओ मेरे साथ। तुमने आशीर्वाद दे दिया, मेरे दिल को तसल्ली हो गई। जरा गौर से देखी कितनी खूबसूरत आंखें हैं बहू की। खूबसूरती के साथ साथ किसी ऊंचे घराने की झलक भी मौजूद है। चढ़ते हुए सूरज जैसा रंग गहरा है, जिस घर में भी जाएगी चार चांद लगा देगी। इसके आते ही मेरा शेखर अच्छा हो गया। कितने मुबारक कदम है इसके। बहुत। तुमने कुछ सुना बेटी? जी हाँ। मैं जानती हूं स्वामी, आत्मा का संबंध हमेशा रहता है, आत्मा कभी नहीं मरती। और आत्मा को जिंदा रखने के लिए जिंदगी में हंसना निहायत जरूरी है, ये मैंने मरने के बाद महसूस किया। ये तू बोल रहा है? मेरे रूप में पिताजी की आत्मा बोल रही है। शेखर शरीर कहीं का जाओ। जी देखो, तुम सिर्फ इसकी बीवी ही नहीं, इस घर की बहू बनकर आ रही हो। और इस घर की बहू बनना बड़ी खुशकिस्मती की बात समझी जाती। नहीं माँ, सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात तो ये है कि आज मुझे नई माँ मिल गई। जीती रहो। सास को बहू बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, लेकिन ये क्या हुआ? इन लोगों की और माला की सारी असलियत नकली राजकुमारी सुन लेती है और आके अपने पिताजी को बता देती है। अब उसके पिताजी लड़का हाथ से जाता देखकर सीधा भेष भाग बदल कर ललिता पवार के सामने आ जाते हैं। जब ललिता पवार को ये सच पता चलता है तो वो वहाँ आती है हमारी राजकुमारी से मिलने, यानी कि सायरा बानो से। माँ राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी? मैं पूछती हूँ कहाँ की राजकुमारी? माँ तुम घबरा नहीं, मैं तुम सब कुछ समझा दूंगा। पर मुझे ऐसा मालूम होता है आपकी कुछ गलत फहमी। मैं कहीं की राजकुमारी नहीं, मेरा नाम राजकुमारी है। और तुम्हारे पिता? वो डॉक्टर है। शेखर को पहली बार तुम कहाँ मिली? कश्मीर में, जब माला बीमार हुई थी। तो माला की बीमारी के पर्दे में तुम लोगों ने ऊंचे ऊंचे घराने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। कैसे ख्वाब? जो गरीब अमीर बनने के लिए देखा करते हैं। माँ मेरी बात तो सुनो, दरअसल कसूर मेरा है माँ, इस गरीब का नहीं। ऐसे गरीबों ने न मालूम कितने शरीफों के घर तबाह कर दिए। माफ कीजिएगा, हम गरीब जरूर है लेकिन शरीफों का खून हमारी रगों में भी। इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम राजकुमारी रख दिया ताकि तुम दुनिया भर को धोखा दे सको। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाते हैं, किसी को धोखा नहीं देते।
और ना किसी को घर बुलाकर जलील करते। तुमने बहू को आशीर्वाद दे दिया, मेरे दिल को तसल्ली हो गई। बहू की आंखें कितनी खूबसूरत है, और खूबसूरती के साथ साथ किसी ऊंचे घराने की झलक भी मौजूद है। देखो, इस घर में तुम सिर्फ इसकी बीवी नहीं, सारे खानदान की बहू बनकर आ रही। शेखर, जिस घर में जाएगी चार चांद लगा देगी। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मर गया, और उसकी राख में से एक नया चंद्रशेखर पैदा हुआ जो कि पत्थर नहीं इंसान है। इंसान वो है जिसकी जिंदगी के कुछ उसूल हो, जो गिरी हुई हरकतें न करता। इंसान गिर सकता है, असूल झुक सकते हैं, खानदान तबाह हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले दिल ना झुके हैं और ना कभी झुक सकते हैं। इधर शेखर अपनी माँ को ये बोल के चला जाता है, और उधर सायरा बानो अपना सामान पैक करती है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, आप चलिए यहाँ से, और शेखर उनसे मिलने आता है। गुस्सा, मेरा तो दिल चाह रहा है एक आपका खून कर डालूं। मैं हाजिर हूँ, शौक फरमाइए। पिताजी से कह दीजिए फौरन दफा हो जाए, मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहती। पिताजी, इनसे पूछिए मेरा कसूर क्या है। माताजी ने मेरी शादी कहीं और तय कर रखी थी, इत्तेफाक से वो लोग आज घर पे आ गए। बताइए मैं क्या करता। सच तो है, बेचारा क्या करता। बेचारा, ऐसे बेचारे को जहर दे देना चाहिए, बुजदिलों की तरह खड़े रहे। ये भी मुंह से ना निकला कि मुझसे प्यार करते, मुझसे शादी करना चाहते। राज जरा सोचो। अच्छा भाई, मैं यहाँ से जाता हूँ, अब तुम जानो और ये जाने, जब एक आध का सर फूट जाए तो मलहम पट्टी करने मुझे बुला लेना। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। प्रियतमा को तो मना लिया, और गुनगुनाता हुआ खुशी खुशी जैसे ही घर आता है, अपनी माँ को अपने कमरे में बैठा पाता है। माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? और शायद अब कभी ना सो सकती। उस माँ को नींद कैसे आ सकती जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और आज वही बेटा ये कहकर के चला गया कि वो उसके लिए मर चुका है। माँ, माँ तुम समझती क्यों नहीं, मैं इस लड़के से मोहब्बत करता हूँ। माँ, मैंने उसे शादी का वचन दिया है। और उस वचन का क्या होगा जो तुम्हारे पिताजी बचपन से कहीं और दे चुके हैं। मैं उस वचन के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकता माँ। और उस वचन के खातिर मैं अपनी जान दे दूंगी शेखर। माँ, तुम ये नहीं कर सकती। माँ, तो फिर तू इस लड़के से शादी नहीं कर सकता, तुझे इसे हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा। मुझसे ये ना होगा माँ, तुम जिद ना करो। अगर तेरी यही जिद है और मेरी जान से ज्यादा तुझे इस लड़के की मोहब्बत प्यारी है, तो याद रखना शेखर, एक तरफ तेरी इस लड़के से शादी हो रही है और दूसरी तरफ तेरी माँ की लाश इस घर से उठ रही है। माँ, मेरा ये आखिरी फैसला है शेखर। माँ, तुम मेरी जिंदगी से सारी खुशियां क्यों छीनना चाहती हो? कहो माँ, तुम ऐसा नहीं करोगी ना? बोलो माँ, तुमने सब ये गुस्से में आकर कह दिया ना? बोलो माँ। शेखर, जो कह दिया है वो करके दिखाऊंगा।
अच्छा माँ, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। अगर माँ तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं जिंदगी में किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। अब शेखर ने अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया कि मैं किसी से शादी नहीं करूँ। अब माँ नकली राजा को चिट्ठी लिख देती है कि वो शादी अभी कुछ टाइम के लिए टल जाए। अब जो राजकुमारी थी नकली वाली, वो उसको लगता है कि मेरी शादी इससे नहीं हो पाएगी तो चलो थोड़ा सा पैसा ही कमाया जाए। वो सीधा आता है सायरा बानो के पास उसको सच बताने, और यहाँ वो उनको ब्लैकमेल करता है। उसको धमकी के साथ साथ दूसरी तरफ ललिता पवार बहुत सारा पैसा लेकर आती है ताकि सायरा बानो को शेखर की जिंदगी से निकालने की कीमत दे सके। देखिए मेरा तो कुछ भला होता नहीं, मैं तो सिर्फ आप ही लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरी बेटी का हरगिज नहीं है। हम कैसे ये बात मान सकते हैं? तो हुजूर फिर मुझे मजबूर होके कह देना पड़ेगा कि बच्चा किसका है। किसका? जिसका है उसका माला। एक शरीफ औरत को बर्बाद करके आपका क्या फायदा होगा? फायदा तो कोई खास नहीं होगा, यही के दो चार आदमियों का खून होते हुए देखने को मिलेगा। माता जी आएंगी, माला को मार डालेंगी, बच्चे को मार डालेंगी, और हो सकता है शेखर को मार। ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। जी मैं ऐसा कर सकता हूँ और जरूर कर सकता हूँ। तुम बहुत ही नीच और जलील आदमी हो। जी नहीं, मैं सिर्फ नीच और जलील हूँ, आदमी नहीं। शायद माता जी आ गई। याद रहे ये बच्चा तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा। कहिए। सच सच बताइए, ये बच्चा किसका है? आप क्या समझती हैं? राजकुमारी का कहना है कि ये बच्चा इसका है। और आप मान गए ये बच्चा इसी मासूम का है? यही पूछने के लिए यहाँ आए हैं कि कश्मीर से बंबई किस तरह आया और इस बच्चे से आप लोगों का क्या नाता है? नाता तो बहुत कुछ है, मगर अफसोस ये है कि जवाब नहीं दे सकता। तो आप मानते हैं कि बच्चा आपकी बेटी का है? जवाब क्यों नहीं देते? आप जवाब दे भी नहीं सकते। आपको मानना पड़ेगा कि बड़ा घराना देखकर आप लोगों ने मेरी बेटी को फुसलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भगवान ने और मेरे घर के वसूलों ने मेरी रक्षा की, वरना ये जलील और गिरी हुई लड़की मेरी बहू बनकर आ गई और हमारा खानदान हमेशा के लिए तबाह हो गया। भगवान की सौगंध, अब मुझसे खामोश नहीं रहा जाता। नहीं पिताजी, नहीं, मैं इन्हें जवाब दे देती हूँ। हाँ, ये बच्चा मेरा ही है। सुन लिया माता जी आपने? मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, और अब ये भी पता चल चुका है कि तुम्हें कौन सी चीज यहाँ खींच लाई है। वो है दौलत जिसके तुम भूखे हो। ये रहा 1,00,000 रुपया, लो और अपना मुंह काला कर। माँ, शेखर देख इस लड़की की तरफ, ये वही लड़की है जिसके लिए तू अपनी माँ को छोड़ रहा है, ये वही लड़की है जिसके लिए तू अपने घर से नाता तोड़ रहा है, ये वही लड़की है जो चांदी के चंद टुकड़ों के लिए तुझे अपने जाल में फंसा रही है। माँ, ये वही जलील लड़की है जो एक बच्चे की माँ बन चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। शेखर, ये इस बात को कबूल कर चुकी है, तो खुद पूछ कर देख ले। राज, मैं कह चुकी हूँ ये बच्चा मेरा ही है। नहीं राज, नहीं, तुम जरूर कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही हो। सच बताओ राज, सच बताओ। तुझे यकीन क्यों नहीं आता शेखर? माँ, इतना यकीन है राज पर मुझे, शायद अपने आप पर भी नहीं होगा। नहीं माँ, ये बच्चा राज का नहीं हो सकता। ये बच्चा मेरा है शेखर। यही बात है? मेरे हाथ पे हाथ रखकर कसम खा, बोलो ये बच्चा तुम्हारा? अब
अपने प्रेमी का हाथ अपने हाथ में लेकर रात झूठी कसम कैसे खाती और यहाँ पहुँच जाती है बच्चे की असली माँ यानी माला। राज नहीं, राज नहीं, प्यार करने वाले के हाथ में हाथ देकर झूठी कसम नहीं खाया करते। कह दो कि ये बच्चा किसका, लेकिन एक शरीफ के मुंह से दूसरों का भरम निकलेगा भी कैसे। मां ये बच्चा मेरा है। क्या ये बच्चा तेरा है? हाँ, लेकिन जन्म दिया है तुम्हारे उन उसूलों ने जिनमें ऊंच नीच गरीबी अमीरी और झूठे शानो शौकत के हजारों गहरे लिखड़े छिपे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मोहब्बत में अंधे बनकर खानदान के माथे पर कलंक का टीका लगा दे, बगैर शादी के इस पाप के निशानी को जन्म दे दे। जिसे आप पाप की निशानी समझ रही, वो पाप की निशानी नहीं। हम दोनों ने छुपकर शादी की थी और आपके घर से आज तक नहीं जा सके, लेकिन मजबूरन मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि ये बच्चा हमारा है, मैं इसका बाप हूँ। तुम झूठ बोल रहे। जी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर यकीन ना आए तो देख लीजिए ये शादी का सर्टिफिकेट। 2 साल पहले हम लोगों ने शादी की थी। माला, तूने चोरी छुपी शादी की और वो भी इस गरीब और गिरे हुए इंसान से। गरीब लोग भी शरीफ होते हैं माँ, उनका भी दिल होता है, कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं। अगर तुमने इंसानियत को गरीबी और अमीरी के तराजू से न तोला होता माँ, तो माला की शादी बड़े धूम से घर में मनाई जाती, शहनाइयां बजती माँ, शहनाइयां बजती। और शादी के उन शहनाइयों में खानदान के उसूलों का दम घुटता हुआ नजर आता, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलती हुई नजर आती। माला का ये कसूर मैं कभी माफ नहीं कर सकता। कसूर वो नहीं माँ, तुम सारी जिंदगी अंधी बनी रही। तुमने हमेशा अपने खून की बड़ाई की, तुमने हमेशा अपने खानदान के गलत असूलों को गीता रामायण से भी ज्यादा पवित्र समझा। आज तुम्हें मालूम हो गया होगा माँ कि सही असूल तुम्हारे खानदान में नहीं, इन गरीबों में है। तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियों को निछावर कर रहे हैं। और उस दलील लड़की को देखो, जान तक मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, जान तक मुझे उसकी सूरत से भी नफरत है। सिर्फ पैसे की खातिर, सिर्फ पैसे की खातिर दूसरों की खुशियां छीन रही है। कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करे, वरना अंजाम अच्छा ना होगा। तुमने ठीक कहा शेखर बाबू, पैसे की खातिर, सिर्फ पैसे की खातिर ये 1,00,000 रुपया शादी तोड़ने का हर जाना और 1,00,000 रुपया और दूसरों के सपने तोड़ने का हर जाना शायद तुम्हारे पास अभी ना हो। ये लो, पर तसद्द कर दो। ठहरो, हमारे घराने का उसूल है किसी का कर्जा नहीं रख। ये ले, दे दे 1,00,000 रुपये। माता जी और ग्रे, सबको सब कुछ पता चल जाता है और नकली राजकुमारी का भाई आकर यहाँ से पैसे लेकर जाने लगता है और शेखर के साथ इसकी लड़ाई होती है और अंत में सब इकट्ठे मोहब्बत से रहने लगते हैं, यानी कि असूलों की भी जीत हुई और मोहब्बत की। तो ये थी कहानी दोस्तों जंगली फिल्म की, बहुत ही खूबसूरत कहानी। और ये पूरा महीना जो मैं डेडिकेट करने वाली हूँ हमारे याहू हीरो को, यानी कि शम्मी कपूर को, और आगे उनकी बहुत ही बेहतरीन फिल्में मैं आपको सुनाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ हर बुधवार शाम को 7 बजे उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया टेढ़ी उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अभी बहुत कोरोना फैला है दोस्तों, प्लीज मजबूरी ना हो तो बाहर ना जाए। मेरे YouTube चैनल रुचिका सेफ को सब्सक्राइब करें और मेरे शोज को कभी भी कहीं भी एंजॉय करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। आप चाहे कुछ हो, निगाह हो, बिठा गए Ali।
मजेदार ओ जनाबे आली। राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, गीत मेरे सुन लो वफा के पयाम हैं, हम हैं तुम्हारे ताबेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली।